हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रहमान एकेडमी। सो गाइस, आज हम फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ जो आपके लिए होने वाला है बहुत ही खास, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर के जो ऑनलाइन अभी फॉर्म फिल किया जा रहा है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा था, उसमें पूरी डिटेल मैंने बताया है। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा उसके रिगार्डिंग जो सिलेबस क्या क्या सवाल आएंगे क्वेश्चन में, तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। और उसमें मैं बात करने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या सवाल होंगे, किस टाइप के होंगे, कौन से सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो सिलेबस यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर के जो है, शिक्षा विभाग वहाँ पे जो मतलब निकाला गया था जीआईसी लेक्चरर यूपी का, उनमें ये सिलेबस है जनरल स्टडी वालों के लिए। जनरल साइंस जो कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड लेवल के होंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पूछे जाएंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट होंगे, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी एंड कल्चर होंगे, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सब यानी कि आपको पूरे इसके रिगार्डिंग जो है आपको स्टडी करना होगा अगर आप यहाँ पे चाहते हो। अब यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे 11 बता दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे देख रहे हो सोशलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू, यानी 8 क्लास तक आपके जो है मैथमेटिक्स वगैरह भी होंगे, लाइक जैसे कि अर्थमेटिक, अल्जेब्रा, जियोमेट्री, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट भी आएंगे। अब यहाँ पे जो ऑप्शनल में होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट उससे क्या पूछे जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हो गाइस डिस्प्ले भी आप देख रहे हो, और ये आप देख रहे हो हिंदी में। यहाँ पे मुख्य लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा आयोजन एवं पाठ्यक्रम, यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रथम प्रश्न पत्र जो होंगे सामान्य हिंदी और निबंध पे होंगे, जो कि आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स से होंगे। यहाँ पे द्वितीय प्रश्न पत्र जो होंगे वे वैकल्पिक होंगे विषय यानी कि परंपरागत, और ये 3 घंटे के पेपर होंगे, टोटल जो है 300 अंक होंगे, यानी कह सकते हैं कि टोटल जो है आपको 5 घंटे के पेपर होंगे और यहाँ पे 400 के होंगे। प्रथम खंड जो होंगे निर्धारित अंक 50 के होंगे, और ये जो है अपटित, यहाँ पे देख रहे हो अपटित गदांश का संक्षेपण वगैरह, इसी के रिगार्डिंग आपके सवाल होंगे, विदेशी शब्द भंडार वर्तनी, और यहाँ पे देखो ये द्वितीय खंड और यानी कि हिंदी निबंध। फिर अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गए मुख्य लिखित परीक्षा का। अब यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शनल सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो परीक्षा योजना वैकल्पिक वगैरह, ये जो है पूरी डिटेल में आप देख लेना, मैं जो है लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। और ये हिंदी के रिगार्डिंग मतलब किस तरह के सवाल आएंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास वगैरह पूछा जाएगा, और यहाँ पे पत्रकारिता से भी, जर्नलिज्म के भी होंगे, जैसे कि सपोज प्रमुख हिंदी जो 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 मतलब फेमस है प्रमुख है वहाँ पे पूछे जाएंगे, उनके प्रकाशन क्या है और कहाँ से पब्लिश होते हैं, प्रकाशन वर्ष उनकी क्या है, उनके मुख्य प्रमुख संपादनों के नाम वगैरह, ये सब भी आपकी इसकी रिगार्डिंग आपको स्टडी करनी होगी। यहाँ पे देखो हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर वगैरह भी सवाल आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश वालों के लिए सेक्शन, ये मतलब कौन कौन सा टॉपिक है, टॉपिक वाइज यहाँ पे बता दिया गया है। फिर यहाँ पे देखो फिजिक्स वालों के लिए मैकेनिज्म वगैरह, थर्मल फिजिक्स, वेव्स एंड मतलब कि सभी सब्जेक्टों का अलग अलग बताया गया है कौन कौन से, ये केमिस्ट्री वगैरह का हो गया। फिर यहाँ पे आप देखो यहाँ पे बायोलॉजी का है, यहाँ पे टॉपिक वाइज बताया गया, प्लांट डाइवर्सिटी, यहाँ पे माइक्रो बायोलॉजी हो गया, यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी हो गया, तो आप यहाँ पे गाइस देख लेना। और ये मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग इसमें जो है रिलेशन एंड फंक्शन वगैरह पूछे जाएंगे, एलजेब्रा होंगे रिगार्डिंग, कैलकुलस वगैरह जो भी है, ये मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपका पेपर कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी होगी। यहाँ पे ज्योग्राफी ये जो है टोटल 21 पेज का है। अब यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट उर्दू से मतलब कि है, अब यहाँ पे देखो ये एजुकेशन वालों के लिए है। फिर यहाँ पे देखो उर्दू पार्ट वन वगैरह में जो मतलब टॉपिक वाइज यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है, किस टॉपिक से क्या सवाल होंगे, वो तो मतलब आपको पूरी टॉपिक वाइज जो है स्टडी करनी होगी। यहाँ पे कॉमर्स वाले जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है। और यहाँ देखो होम साइंस जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड का है, यानी कि इसमें टोटल जो है सिलेबस बता दिया गया सब्जेक्ट वाइज जो है, आप देख लेना रिगार्डिंग आप मतलब किस सब्जेक्ट से हो। और इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए एजुकेशनल लाइक यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, या फिर कॉलेजेस हो, या जो भी मतलब वैकेंसीज वगैरह हो, और भी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। और इसी तरह का आपका अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक, अपने रिलेटिव तक भी शेयर करो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर।